लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं केतकी जोहार झारखंड। जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ कुछ लड़के खड़े हैं जो यहाँ पर गाड़ियों को आने से रोक रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी किसके आदेश से वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में साथ निभा रहे हैं। मेरे साथ इस यहाँ के प्रभारी भी मौजूद है, शायद ये मकर संक्रांति मेला का आयोजन जो होता है उसके ही मेंबर्स हैं। सर आपका क्या नाम? संगठन मंत्री। चलिए यहाँ जो मौजूद है जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार महतो हुआ। सर कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं? ये 14 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले भी मेला लगती थी पूर्वज से ही, मतलब बहुत पुराना मेला लग रहा है। पर ये विधि व्यवस्था मेला समिति का, पार्श्वनाथ मकर संक्रांति मेला समिति का आयोजन ये पिछले 14 वर्षों से हुआ है और उसको विधि व्यवस्था का देखने का काम कर रही है। मतलब ये प्रशासन की देखरेख में हो रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें प्रशासन के भी सदस्य हैं, प्रशासन के जो मतलब थाना प्रभारी हैं वो भी हमारे पार्श्वनाथ मकर संक्रांति समिति के मेला समिति के जो वो भी मेंबर हैं। सर ये मेला कहाँ लग रहा है वो बताएं दर्शकों को। ये मेला जो है एक्चुअली मेला पार्श्वनाथ मकर संक्रांति मेला जो है वो जैसे झारखंड आदिवासी मूलवासी जो होते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं और ये पार्श्वनाथ पहाड़ जो है यहाँ प्रकृति का बहुत अनमोल संसाधन से भरा हुआ है और आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग जो है पेड़ पौधे झील झरना का पूजक होते हैं और इस दिन जो है हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ के ऊपर इन सारे चीज़ों का एक साथ में दर्शन हो जाता है और तो इसी उद्देश्य से हम लोग जो है ये अपना झारखंड बिहार का जो ऊंचा पर्वत है इसका हम लोग दर्शन करते हैं और अपने आप को जो है धन्य महसूस करते हैं कि हम लोग इस पार्श्वनाथ के तराई में रहते हैं। सर एक और सवाल है, आजकल पार्श्वनाथ बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आदिवासी वर्सेस जैनी का जो ये खेल चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मेरा तो मानना है कि धर्म किसी का नहीं होता है। जैन कहते हैं कि जैन धर्म हमारा है और जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासी का ये पहाड़ वर्सेस धर्म की जो लड़ाई है हम मानते हैं ये बेफजूल की लड़ाई है। धर्म अगर हम मानते हैं, धर्म जो है मन से में होता है, अगर हम मन से उस धर्म को मानते हैं तो हम जैनी हैं, अगर वो हमारे धर्म को मानते हैं तो वो यहाँ के लोगों को मानते हैं तो वो यहाँ के स्थानीय है। और किसी भी धर्म को या जिस जगह पे वो अवस्थित है वो मंदिर वहाँ के स्थानीय को आपको मानना ही पड़ेगा, वहाँ के स्थानीय जो लोग रहते हैं उनके धर्म को भी आपको लेकर के चलना होगा। पार्श्वनाथ आखिर किसका है, जैनी वर्सेस ये जो दावा कर रहे आदिवासी कि हम सबसे पहले आए हैं ये हमारा है, आपको क्या लगता है? जैसे अगर हम दावा करता है, दावा करने के लिए तो आपके पास कागजात होनी चाहिए। केवल जो है मतलब आज हम सब ये चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो खतियानी लोग हैं, जिनका पेपर है, जिनका लोग बरसों से रह रहे हैं, अगर जैन है तो यहाँ के जैन का किसी का मतलब जो है किसी नाम किसी का मतलब पेपर है ही नहीं जमीन का, उनके नाम से कोई ज़मीन है ही नहीं, खतियानी है नहीं। अगर वो जैन अगर उनके पूर्वज बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं तो हमारे स्थानीय लोग ही उनको रहने दिए होंगे, ऐसा नहीं कि वो यहाँ। अब जैसे कहने का मतलब बीरप्पन अगर उस सारंडा के जंगल में रहता था तो क्या जंगल बीरप्पन का हो जाएगा? ऐसा तो थोड़ा ही है, आपके उनके तीर्थंकर आए होंगे यहाँ पे साधना करने आए होंगे, उनका हम सम्मान करते हैं, कभी हम लोगों ने अनादर भी नहीं किया है, तो ये सोच मनसा गलत है। वह कभी हम लोगों ने उनको उनके धर्म को जो ठेस पहुँचाने का कभी नहीं काम किए हैं और ना आगे भी करेंगे। सर एक हमारे पास लेटर जो काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है, आज और कल 14 और 15 को जैनी भाई लोग यहाँ आ रहे हैं ताकि आदिवासियों का मुंह मीठा करें और ये विवाद खत्म हो जाए, क्या तिलकुट के माध्यम से विवाद शांत हो जाएगा? हम लोग का विवाद उपजाए हुआ है ही नहीं जी, अगर उनको लग रहा है कि ये विवाद हम लोग फैला है तो वो ऐसा करेंगे, हम क्यों करें, हम तो उनका स्वागत करते हैं और उनका सेवा करते आए हैं। क्लेम कर रहे हैं कि जो मीडिया यहाँ आदिवासी महाजुटान को कवर की है वो लोगों को भड़का रही है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल उनका सोचना गलत है। अगर आप किसी के घर में जाकर के, घर में घुस करके अगर उनको डराने धमकाने का या उनके जो अपने वर्चस्व को स्थापित करने का काम करेंगे तो निश्चित है कि आपको उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको सुनने को मिलेगा जिससे यहाँ के स्थानीय लोग के मन में ठेस पहुँचेगा और निश्चित है कि आपको इससे परेशानी होगा। सर क्या एक आप लोगों को भी फीलिंग आती है कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम के मीडिया हाउस है झारखंड के वो आदिवासियों के मुद्दों को कम उठाती है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ा मीडिया कहते हैं आज तक सुधीर चौधरी तो बहुत नामी गिरामी है,
उनको देखा गया कि हाँ आ करके सबका रिपोर्टिंग लिए, सबका मतलब जो है रिपोर्ट किए, मतलब सबका बयान को लिए, और एक तरफा उनका केवल जैन समाज के न्यूज़ को दिखाने का काम किया, यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में किसी तरह का कोई न्यूज दिखाने का काम नहीं किया। तो नाराजगी है? नाराजगी तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल ही रहेगा। जिनको हम तहे दिल से मानते हैं, जिनको तहे दिल से हम लोग जो है स्वागत करते हैं, जिनका तन मन से सेवा करते हैं, हमारे पूर्वज या हमारे स्थानीय लोग जिनको कंधे पे बिठा के मंदिर दर्शन कराते हैं, उनके मुंह से अगर ऐसा सुनने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं। सर वो कह रहे हैं कि आप भले उन्हें कंधे पर ढोते हैं लेकिन उसके बदले वो पैसा भी तो लेते हैं, वो जैनियों पर आश्रित है यहाँ के आदिवासी। देखिए ऐसा नहीं है, आदिवासी किसी पे आश्रित नहीं होता जी। आदिवासी को शायद आप नहीं जानते जी। आदिवासी अपने धर्म और आस्था और जो अपने संस्कृति के लिए भूखे मर मिटने वाला आदमी है जी। जो है अगर आप उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप क्या मतलब जो है, हमको लगता है कि सृष्टि में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो आदिवासी को चैलेंज कर सकता है और मूलवासी को चैलेंज कर। सर आपका क्या नाम है? नमस्कार माता। सर आज जो जैनी भाई लोग यहाँ आकर के सभी आदिवासी भाइयों का मुंह मीठा करेंगे और विवाद खत्म करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्या लगता है मुंह मीठा करके विवाद खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। और ये जो लोग मरांग गुरु को नहीं जान रहे या उन्हें नकार रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना है उन्हें? नहीं। सर आपको कुछ मैसेज देना है जो लोग बोल रहे हैं कि मरांग गुरु की अहमियत को कम आंक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ जैनियों का तीर्थ स्थल है? जी मैम, पहला बात तो ये है, अगर उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो उन्हें इस बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए। मरांग गुरु आखिर क्या है वो ये जानेंगे तब तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं ना। अगर हम किसी जैन धर्म के बारे में नहीं जान रहे, उनके बारे में अच्छा या गलत जो भी बोले वो तो गलत ही होगा, क्योंकि हम उसके बारे में जान ही नहीं रहे कुछ, तो उस बारे में बोल कैसे सकते हैं? अच्छा सर, एक जैनी लोग जो है वो एक मैसेज फॉरवर्ड करे जिसमें कह रहे हैं कि कुछ टूटपूंजीय नेता हैं जो 10 तारीख को आदिवासी महाजुटान किए थे, तो क्या आपको लगता है लोबिन हेम्ब्रम और सालखन मुर्मू वगैरह एक टूटपूंजीय नेता हैं? जी नहीं। देखिए मैम, अगर हमारे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो हम आंदोलन करने का हक है, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आंदोलन करने का हक सबको होता है। जैन समाज बोल रहा है, जैन समाज ने अभी तो दिल्ली में जयपुर में आंदोलन किया है ना, तो वो आंदोलन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आपके और अगर उस महाजुटान को आप गलत कहते हैं, लगभग 1 लाख का भीड़ था उस दिन, कोई एक नुकसान नहीं हुआ शिखर जी में, किसी को ना कोई तोड़ फोड़ हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कोई दंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर उसे गलत कैसे बोल सकते हैं? सर वो कमेंट सेक्शन में आकर हमारे चैनल पर गालियां लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों आदिवासियों के मुद्दों को हम तो अहिंसा परमो धर्म है ना, गाली तो अहिंसा में आता है ना, तो वो तो दे ही सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं लोगों में किस तरह का रोष है, और साथ ही जो यहाँ के आदिवासी पर्वतों के देवता हैं, ग्राम देवता मरांग गुरु, उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और लोगों की राय ले रहे हैं। आज मकर संक्रांति का मेला है पारसनाथ मैदान में, फुटबॉल ग्राउंड में भी लगेगा, और काफ़ी भारी मात्रा में लोग आज पारसनाथ पहाड़ को चढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन ये जो मामला आ रहा है जिसमें जैन धर्म के कई लोग आएंगे और लोगों का मुंह मीठा करेंगे आदिवासी समुदाय का, ताकि मामला बिल्कुल शांत पड़ जाए, वैसे ये सियासत भी हो सकती है, इसे हम नहीं कह सकते कि ये अच्छे मन से किया जाने वाला एक्ट है। लगातार आप देख रहे हैं आदिवासी और जैन धर्म का मामला तूल पकड़ रहा है, ये बस आज के दिन के लिए ये एक तरह की योजना बनाई गई है, लेकिन जिस तरह आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं ये मामला इतनी आसानी से नहीं थमने वाला है। मेरे साथ मेरी केतकी सहयोगी केतकी है, मैं उनसे भी सुनना चाहूँगी, वो इस मसले पर क्या कहना चाहेंगी? चलिए मल्लिका, थैंक यू मुझे माइक देने के लिए। वैसे आपको बता दूं, बातें तो मैं आगे भी आपसे करूंगी ही, फिलहाल की यहाँ की व्यवस्था मैं आपको बताती हूँ। एक चेक पोस्ट बनाया गया है पारसनाथ में, जो मेला समिति है, जो अभी संक्रांति का मेला लगा हुआ है, ये समिति ने यहाँ पर द्वार को एक्चुअली हैंडल कर रही है समिति। इसके आगे वाहनों का इस रास्ते से जाना अभी फिलहाल के लिए निषेध कर दिया गया है, इधर से केवल और केवल दो पहिया वाहन ही जा रहे हैं। आपको बता दूं यहाँ भी आसपास के इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती है, लाखों की संख्या में आज भीड़ उमड़ती है। पहले भी हालांकि कोविड के कारण कुछ वर्षों से मेले का वो रंग नहीं था जो आमतौर पर संक्रांति मेला का रंग रहता है, लेकिन इस बार फिर से क्योंकि एक तरफ ये विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ कोविड के सारे जो प्रोटोकॉल्स थे इस बार लागू नहीं है, जो नियम लागू नहीं होने के कारण भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। स्टेशन पर भी हमने आपको दिखाया कि सुरक्षा बलों की भी तैनाती है और लोगों का हुजूम आज उमड़ने वाला है। आप लगातार बने रहे हमारे साथ, हम बात करेंगे जैनियों से भी, आदिवासियों से भी, मेले का रंग भी आपको दिखाएंगे।